हे गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग क्या मैं लाइव हो चुका हूँ गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई होप कि अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे खूब पढ़ाई कर रहे होंगे uh, तो गाइस शुरू करते हैं अपना सेशन और आज कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी थोड़ा सा बस एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि uh, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी रात में तो शायद मैं भी उतना अच्छा क्लास ना हो हमारा बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जो मेरा लेवल है ठीक है दोस्तों तो शुरू करते हैं अपना सेशन आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे अपनी तैयारी करोगे पूरी अच्छे से ठीक है तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो सारी देंगे आपको ठीक है तो पहली इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होगी दोस्तों हमेशा की तरह रैंकिंग रिपोर्ट और इंडिसेस यहाँ से हम शुरू करेंगे पहली इन्फॉर्मेशन अपनी ठीक है तो रैंकिंग रिपोर्ट इंडिसेस में हम किसकी बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले रिपोर्ट की रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट दो हज़ार बाईस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट ठीक है बाई एफ ठीक टेन परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑन अर्थ लॉस्ट इन थर्टी ईयर्स ठीक है यानी कि रिपोर्ट आई है रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट दो हज़ार बाईस क्या बोला गया कि टेन परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑन अर्थ लॉस्ट इन थर्टी ईयर्स यानी पिछले तीस सालों में हमारे पूरे पृथ्वी पर टेन परसेंट एरिया जो कि मतलब फॉरेस्ट का था वो लॉस्ट हुआ है यानी फॉरेस्ट कम हो रहे हैं हमारे हमारे पृथ्वी पर से ये आपको बताया जा रहा है ठीक है देखिए तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या है ध्यान से देखिए मेरी क्लास क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर जी इसका रोम में है ठीक है तो रोम में है ये स्ट्रेटिक जी है ठीक है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया और कि अपनी एक रिपोर्ट निकाली है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 फॉरेस्ट पाथवे फॉर ग्रीन देखो इतना लंबा तुम याद नहीं कर पाओगे है ना तो तुम इतना पढ़ लो केवल इतना ये यहाँ तक ठीक है यहाँ तक पढ़ लो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट दो हजार बाईस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट दो हजार बाईस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट दो हजार बाईस इतना भी तुमने याद कर लिया तो काफ़ी है पूरा पढ़ने तुम्हें ठीक है किसने निकाली है रिपोर्ट एफ ए ने किसने निकाली है एफ ए ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखो जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फूड लग जाए फूड तो उसका हेडक्वार्टर हमेशा कहां पर होगा रोम में होगा हमेशा ठीक है तो एफ ए रिपोर्ट निकाली है नाम क्या है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट दो हजार बाईस ठीक इसमें क्या बोला गया देखिए द रिपोर्ट स्टेट दैट इस नाइनटी अराउंड फोर ट्वेंटी मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट थ्रू कन्वर्जन ऑफ द अदर लैंड यूजेस तो रिपोर्ट में क्या बोला गया है? कि उन्नीस सौ नब्बे के बाद से अभी तक 420 मिलियन हेक्टेयर वन्य अन्य भूमि मतलब वन्य को अन्य भूमि में शामिल कर लिया गया मतलब 420 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है जो ये फॉरेस्ट लैंड था इसको अन्य कामों में फॉर एग्जाम्पल सिटी रोड हाईवेज इन सब में शामिल कर लिया गया ठीक है और देखिए फॉरेस्ट कवर अराउंड थर्टी वन परसेंट ऑफ द अर्थ लैंड सर्फेस इस समय क्या है इस समय हमारे देश में जो पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर है वो थर्टी वन परसेंट है ठीक है देखो द पब्बिकेशन वॉज लॉन्च डरिंग द पंद्रहवा वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस बिंगेल्ज इन द कोएक्स सील ठीक है अब देखो पढ़ना क्या है दोस्तों सिंपल करते हैं सिंपल करते हैं ठीक है पहली बात देखो तो एक इवेंट हो रहा था इवेंट क्या है पंद्रहवाँ इवेंट था वर्ल्ड फॉरेस्ट फ्री कांग्रेस का ठीक है ये कहाँ पर हुआ ये सियोल में हुआ सियोल ये साउथ कोरिया की कैपिटल है दो सिंबल करते हैं ठीक है ध्यान से करते हैं पार्ट बाई पार्ट, पार्ट करते हैं ठीक है देखो तो यहाँ पर क्या बात हो रही है सुनना बहुत ध्यान से एक इवेंट हुआ था पंद्रहवां इवेंट हुआ था वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का कहाँ पर सियोल में वहाँ पर ये रिपोर्ट आई रिपोर्ट का नाम क्या दोस्तों देखो फिर से यहाँ पे तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट दो ठीक है इसमें क्या बोला गया कि टेन परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑन अर्थ लॉस इन थर्टी ईयर यानी अगर हम उन्नीस से नब्बे कंपेयर करें तो टेन परसेंट पूरा जो एरिया फॉरेस्ट का है वो खत्म हो गया है टेन परसेंट कितना होता है देखो यहां पे दोस्तों तो क्या बोला गया देखो कि अराउंड फोर ट्वेंटी मिलियन हेक्टेयर यानी आप टेन परसेंट बोलिए या फिर फोर ट्वेंटी मिलियन बोलिए हेक्टेयर है, बोलिए इतनी लैंड जो फॉरेस्ट की है वो हमने यूज कर लिया किसी और काम में कर लिया है ठीक है और इस समय हमारे पूरे पृथ्वी पर फॉरेस्ट कवर अराउंड थर्टी वन परसेंट है थर्टी वन परसेंट है बस इतना पढ़ना है आपको बस इस न्यूज में थोड़ी इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो गई है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं ठीक से तो मैंने क्या बोला यहां शुरू करो एडिशन किसका वर्ल्ड कांग्रेस का फॉरेस्ट्रेस में हुआ जहां पर एक रिपोर्ट आई द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट दर्ल्ड रिलीज बाई इसने क्या बोला नब्बे के बाद से दस परसेंट फॉरेस्ट कवर जो है वो हमें खत्म कर दिया है यानी अगर ऐसे बोले हम तो 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट ये हमने खत्म कर दिया मतलब किसी और यूज में ले लिया और फिर बस वही बात है और राइट नाउ थर्टी थर्टी वन परसेंट फॉरेस्ट कवर है तो यह बात हुई है ठीक है दोस्तों क्या क्लियर इंफॉर्मेशन अगर क्लियर प्लस वन कर दीजिएगा पंद्रहवा एडिशन वर्ल्ड फॉरेस्टी कांग्रेस कहां पर हुआ सीओर में हुआ जहां पर रिपोर्ट आई स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड फॉरेस्ट वाइस इसमें क्या बोला गया 1990 के बाद से 10 परसेंट फॉरेस्ट कवर जो है वो हमने खत्म कर दिया और किसी यूज़ में ले लिया यानी कि अगर हम बात करें तो 420 सौ बीस मिलियन हैक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ वहाँ कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन थी रिपोर्ट और इंडेसेस जो हमने कहा आपसे ठीक है सिंपल सी इफॉर्मेशन थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे हम लोग आराम से करंट अफेयर्स हमें याद होना चाहिए तो याद होने के लिए उसे हम कितना ईजी बना सकते हैं तो वो मैं ट्राई कर रहा था आपके लिए बस कि आगे पीछे करके हम प्रॉपर से याद कर लें ठीक है चलिए तो ये इंफॉर्मेशन नफर क्लियर हो आपकी आगे बढ़ते हैं अबाउट द फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक तो मैंने क्या बोला जब भी फूड लग जाए हमेशा इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में होगा ठीक है इस्टेब्लिशमेंट ईयर नाइनटीन फोर्टी फाइव है एंड डी जी कौन है इसके क्यू डोंग यू हैं क्यू क्यू डोंग यू हैं इसके डी जी हैं ठीक है थेके? तो एक इंफॉर्मेशन ये आजकल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ ले रहे हैं तो ध्यान है है? है, है, है है? हैं अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट है डिजाइन का और जहां पर हम पहले इंफॉर्मेशन की बात करेंगे दोस्तों इंफॉर्मेशन प्रसार भारती मेंबर, फाइन्स, यानी, फाइन्स जो डिपार्टमेंट है ना उसके मेंबर है प्रसार भारती का मतलब सोचते हैं आप लोग ऑल इंडिया रेडियो हमारा ये सब है ना तो प्रसार भारती के मेंबर फाइनेंस मेंबर हैं डीपीएस नेगी इन्हें गेट एडिशनल चार्ज इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है क्या दिया गया वो हम देख लेते हैं तो प्रसार भारती मेंबर फाइनेंस यानी प्रसार भारती का जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस का उसमें यह मैंबर है इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है क्या दिया गया देखें यहाँ पे इसको तो? दो तो प्रसार भारती मेंबर फाइनेंस डी पी एस नेगी ठीक हैज बिन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मेम्बर पर्सनल अब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है पर्सनल तो पर्सनल एक शब्द है इसका यूज हम लोग करते थे एम में मतलब फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग एम की पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर यह शब्द हम यूज़ करते थे तो पर्सनल का जो सही मतलब होता है मतलब प्रयावाची या सिनोनिम में हम बोलेंगे तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉय ठीक है ऑफ द बॉडी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ठीक है तो ये एडिशनल चार्ज मिला है मेंबर पर्सनल ऑफ़ द बॉडी ऑफ द बॉडी का मतलब इसकी सही है प्रसार भारती की बात हो रही है बाई द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसका मतलब गाइस देखो प्रसार भारती कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना तो ये ये जो है ना ये ये यहां शो कर रहा है इसका मतलब मतलब सिंपल करिए तो प्रसार भारती मेंबर फाइनेंस डीपीएस डी पी नेगी इनको एडिशनल चार्ज मिला है एज अ मेंबर ऑफ द पर्सनल ऑफ़ द प्रसार भारती अब किसने दिया है, ये जिम्मे तो बाय द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बाय द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री फिर समझ लीजिए राइट नाउ अगर हम बात करें तो प्रसार भारती के मेंबर फाइनेंस डीपीएस की इनको प्रसार भारती का ही मेंबर पर्सनल बनाया गया है किसने बनाया है बाय द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दोस्तों क्लियर हाँ हाँ बिल्कुल भाई तो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने चार्ज दिया इनको ये तो ये पर्सनल मतलब मेरे हिसाब से ये एचआर वाला काम भी करेंगे थोड़ा ठीक है तो वो देख लीजिएगा ठीक है क्लियर तो ये डीपीएस ने किया है ये प्रसार भारती मेंबर फाइनेंस है इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है प्रसार भारती मेंबर पर्सनल का किसने दिया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ठीक है मिनिस्टर हु इज मिनिस्टर तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी ठीक है अच्छा दोस्तों अभी मैं पेड बैच पढ़ा रहा हूं अपना तो मैंने देखा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में वह भूल जाते हो तो थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने आज किया नहीं लेकिन हम लोग अपने करंट अफेयर्स में डेली आपको एक बूस्टर देंगे बूस्टर मीन्स पाँच छः क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कॉन्टिन्यूस जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ एक कल से हम शुरू करेंगे ठीक है आज मैं कर नहीं पाया ठीक से लेकिन हम कल कर लेंगे ठीक है चलिए अब गाइस बात करें अगर नेगी जी की तो नेगी इज एन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर देखो ये बहुत डीप की बात हो गई ये उन्नीस बैच के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर हैं ठीक ये बहुत डीप की बात हो गई बिफोर ज्वाइनिंग प्रसार भारती नेगी वॉज द प्रिंसिपल एडवाइजर एट द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री तो नेगी जी जब यहां नहीं थे प्रसार भारती में तो ये प्रिंसिपल एडवाइजर थे एट द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री हम मिनिस्ट्री इनके बारे में हम डीप में बात कर रहे हैं आपसे ठीक है उन्नीस बैच के ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर थे बिफोर प्रथाभारती ये प्रिंसिपल एडवाइजर थे लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर कौन है ठाकुर जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है श्री एल मुर्गन श्री एल मुर्गन तो ये भी याद कर लीजिएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नाम क्या है एल मुर्गन नाम इनका ठीक है, है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते दोस्तों क्या लिखा हुआ है लिखा ई आई एच चेयरपर्सन पी आर एस ओबराय स्टेप डाउन नेफ्यू अर्जुन सिंह ओबराय टेक ओवर दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं पता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओबराय होटल्स की बात कर रहे हैं आई थिंक मेरे ख्याल से अगर ओबराई होटल्स की अपना नाम सुना आपने नाम सुना होगा तो ये बहुत बड़ी चेन होटल कंपनी इंडस्ट्री है ओबराय होटल्स है ना तो आइए बात करते हैं इसके बारे में क्या मतलब है देखिए नाम क्या है पृथ्वीराज सिंह ओबराय ठीक ये चेयरमैन भी हैं डायरेक्टर भी हैं ऑफ द ईस्ट इंडिया होटल्स तो जो ओबराई होटल्स हैं वो ईस्ट इंडिया होटल्स के अंडर में आता है मतलब मेन कंपनी वो है मेन का मतलब क्या हुआ जैसे गूगल है तो गूगल में अल्फा बैठे ना ऐसे तो ईस्ट इंडिया होटल्स तो जिन क्रेडिटेड विथ प्लेसिंग ओबराई होटल्स एंड द रिजॉर्ट ऑन द इंटरनेशनल लग्जरी ये क्या बोला जा रहा है कि मतलब पृथ्वीराज सिंह ओबराए जिन्होंने मतलब ओबराई होटल्स को बनाया इंटरनेशनल लग्जरी दी ये हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं ये ये इस्तीफा दे रहे हैं ठीक है इफेक्टिव मे थ्री ड्यू टू हिज हेल्थ इशूज तो इनको हेल्थ इशूज हैं तो पृथ्वीराज सिंह पृथ्वीराज सिंह ओबराय ओबराय होटल के चेयरमैन चेयरपर्सन है मालिक हैं तो ये अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में ठीक है और इनके नेफ्यू अर्जुन सिंह ओबराय जो हैं वो अब बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन मतलब इनकी प्लेस वो ले, ले लेंगे ये मतलब सिंपल सा है तो पृथ्वीराज सिंह ओबराय ओबराय होटल इंडस्ट्रीज़ के मालिक चेयरमैन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये इस्तीफा दे रहे हैं डाइन दे रहे हैं उसे और इनके नेफ्यू हैं अर्जुन सिंह ओबराय वो इनकी प्लेस लेंगे एक पॉइंट ये हमारा ठीक है चलिए तो ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास जो जुम्मन दिया आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं रीजन पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों तो हमने ये रीजन पॉइंट हैं जो नए बच्चे क्लास में होंगे तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल विश्वास पटेल विश्वास पटेल री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वास पटेल को पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया और देखिए दोस्तों वाइस चांसलर ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी महेश वर्मा ठीक <coughs> has been appointed as द न्यू chairperson ऑफ द नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड of हॉस्पिटल्स एंड द the Healthcare प्रोवाइडर्स (NABH). फिर देख लीजिए वाइस चांसलर ऑफ इंद्रप्रस्त यूनिवर्सिटी महेश वर्मा जी इन्हें न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर द हॉस्पिटल्स एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको एन ए बी एच ठीक और देख लीजिए डॉक्टर एस राजू टेक चार्ज एज द डी ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या है नए डीजी बने, है, बने है, ठीक है दोस्तों तो, तो यहां पर हमने बात की अपॉइंटमेंट की दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे सामने देख लो क्या है एयर मार्शल संजीव कपूर एयर मार्शल संजीव कपूर की हम बात कर रहे हैं एज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ठीक डिपार्टमेंट है, है संजीव कपूर जी संजीव कपूर जी क्या बने है इन द इंडियन इंफॉर्मेशन दोस्तों तो संजीव कपूर की बात कर रहे हैं ठीक तो इनको अपॉइंटमेंट मिला है एज ए डीजी का डीजी का कौन सा इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का ठीक है बस एक पॉइंट हमारा ये इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली में ये बैठेंगे सटीन मुद्दी ठीक है तो एक पॉइंट यह हमारा तो इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल संजीव कपूर ये नए डीजी बने हैं इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के और ये कहाँ बैठेंगे दिल्ली में बैठेंगे आपका देख लीजिए एक मई से इनका अपॉइंट हो गया इनका ठीक है संजीव कपूर जी की बात कर रहे हैं एक इंफॉर्मेशन ये ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्या लिखा है अलकेश कुमार शर्मा अल्केश कुमार शर्मा एज्यूम चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई सेक्रेटरी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो नाम है मेरा अलकेश कुमार शर्मा ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई में क्या बने हैं नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए ठीक है देखिए अलकेश कुमार शर्मा अलकेश कुमार शर्मा एज्यूम चार्ज एज द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द आई ठीक है तो अलकेश कुमार शर्मा की आपके एग्जाम में डेट वेट नहीं पूछी जाती है परेशान मत तो अलकेश कुमार शर्मा जो है ये सूचना मंत्रालय में सचिव के रूप में हुए ठीक है तो एक इंफॉर्मेशन तो है अलकेश कुमार शर्मा सेक्रेटरी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द आईटी ठीक है चलो और क्या बोला गया सर्व एज द एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटरी एट गवर्न ऑफ इंडिया तो हालांकि इतना कोई बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन अपन नहीं है कि आपको इनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़े ठीक है अलकेश शर्मा नाम याद कर लो तभी काम तुम्हारा हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द आई ठीक है हु इज आवर यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ध्यान देना इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है दोस्तों इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है ठीक मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री राजीव चंद्रशेखर जी ठीक है दोस्तों आपको याद होगा शायद हमने आपसे बात की थी आज रात में ग्यारह बजे एलेवन पी पे सेम चैनल बैंकर्स से पे हम लोग अप्रैल मंथ की रिविज़न क्लास शुरू कर रहे हैं अप्रैल मंथ का मतलब दोस्तों आप जो भी एग्ज़ाम लोगे आगे भविष्य में तो ग्रामीण बैंक तक के एग्ज़ाम में ये आएगा अप्रैल मंथ आएगा है ना तो अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से कर रहे हो आप आपका क्वांट रीजनिंग ठीक ठाक तैयार हो रहा है तो आप यहाँ पे हमको टाइम दे सकते हो ग्यारह बजे रात में अगर आप आज से ही पकड़ लोगे टॉपिक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आज कल टेलीग्राम पर दे दिया था रिपोर्ट के पी अब कल हम क्या करेंगे बैंकिंग के पी करेंगे तो हम पहले दे देंगे आपको आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ो डेली आओ शाम को एक बार टेस्ट दे दो बस कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा रात में ग्यारह बजे तो आज हमारी क्लास शुरू हो रही है अप्रैल मंथ रिवीजन क्लास शुरू हो रही है जहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के रिपोर्ट इंडीज रैंकिंग की इंफॉर्मेशन ठीक है ग्यारह रात में ग्यारह बजे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अर्चना गुलाटी अपॉइंटेड एज द न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ द गूगल ठीक है तो अर्चना गुलाटी को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में चुना गया ठीक एज द न्यू पब्लिक पॉलिसी पॉलिसी न्यू पब्लिक पॉलिसी ठीक है और शी पीपली वर्क एट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेड मतलब इसके पहले ये नीति आयोग काम कर रही थी ठीक है वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी थी अब ये क्या बन गई हैं गूगल ने इनको अर्चना गुलाठी को अपना न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड अपॉइंट किया है ठीक है देखो ये इतनी बहुत बड़ी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि आपसे इनका इतिहास पूछा जाएगा ठीक है लेकिन हमने आपको दिखा दिया थोड़ा बहुत याद रहे नीति आयोग में ये जॉइंट सेक्रेटरी थी फॉर द डिजिटल कम्युनिकेशन और अब ये क्या बन गई हैं ये पॉलिसी हेड बन गई है गूगल की इंडिया के लिए सेम पॉइंट मतलब कोई टफ पॉइंट नहीं है इसका ठीक है गूगल दोस्तों गूगल का हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया आपकी रेलवे एस एस सी या इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके किसी कंपनी का पूछते हैं हेडकॉर्टर कैलिफोर्निया में सुंदर पे चाहे सी ई हैं पता ही हमको है ना नाइनटी में से फाउंड किया गया था गूगल को ठीक है देख लेंगे चलिए आगे बढ़ देंगे चलिए तो यहाँ पे हमने रिपोर्ट इंडिसेस और अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर लिए तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हम रिवाइज़ कर लें चीज़ों को ताकि हम आगे बढ़ सकें फिर से ठीक है दोस्तों तो हमने पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी आपको एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों तो हमने पहली इन्फॉर्मेशन दी आपको कि सियोल में सियोल में पंद्रहवां वर्ल्ड फॉरेस्टिक कांग्रेस चल रहा था जहां पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट दो और क्या बोला गया कि उन्नीस से हमने करीब करीब टेन जो फॉरेस्ट कवर था वो हमने खो दिया है हमने इसका यूज़ कर लिया किसी और चीज़ों में ठीक है यानी 10 परसेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों क्या कि हमने 420 मिलियन हेक्टेयर को बर्बाद कर दिया है जो फॉरेस्ट वाले पर थे 1990 के बाद से ठीक है right राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट कवर है वो 31% परसेंट है ठीक है तो ये हमने पढ़ी है दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन फिर हमने क्या पढ़ा प्रसार भारती मेंबर फाइनेंस डी नेगी को प्रसार भारती मेंबर पर्सनल अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, ने किया अपॉइंट किया ठीक है फिर कैसे हमने क्या पढ़ा कि ये ओबराय होटल के चेयरमैन पृथ्वी राज सिंह इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके नेफ्यू हैं अर्जुन कुमार ओबराय ये जो हैं उबराय ये रिप्लेस करेंगे ना ठीक है संजू कपूर ये क्या अपॉइंट हुए हैं ये डीजी अपॉइंट हुए हैं इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के इंडियन एयरफोर्स न्यू डेली हेडक्वार्टर में ठीक है अलकेश कुमार शर्मा ये नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है अर्चना गुलाटी अपॉइंटेड एज द न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ द गूगल ठीक है दोस्तों क्लियर इतना कोई दिक्कत तो नहीं है सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गाइस जब बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी जहाँ पर हमारी पहली इंफॉर्मेशन खबर आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू क्लोज थर्टीन परसेंट ऑफ इट्स ब्रांचेस तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगले फाइनेंशियल ईयर में अपने थर्टीन ब्रांच बंद करने वाला है अब 13 परसेंट ब्रांच का मतलब कितना हुआ पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कितने ब्रांच हैं हमारे देश में ठीक है देखिए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक प्लान टू शट 13 परसेंट ऑफ इट्स ब्रांचेस टू इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल हेल्थ यानी अपने फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा करने के लिए ये अपनी 13 परसेंट ब्रांच बंद करेंगे ठीक द बैंक इज लुकिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द ब्रांचेस बाय बाय 600 बाई शटिंग डाउन ऑफ मर्जिंग लॉस मेकिंग ब्रांचेस बाई द एंड ऑफ द मार्च तेईस अच्छा इसी तो मार्च तेईस तक ये अपने घाटे में चल रही ऐसी ब्रांचेस जो हैं उनको या तो बंद कर देंगे या दूसरी ब्रांच मर्ज कर देंगे और 600 करेंगे ठीक है तो 600 सौ ब्रांच ये करेंगे छ ब्रांच तक ये मतलब 600 ब्रांच ये बंद करेंगे ठीक है यहां तक लिखा हुआ है लेकिन मेरी बात समझिएगा हाँ सिक्स हंड्रेड ही बंद करेंगे तो कहने का मतलब 600 ऐसी ब्रांच इनकी हैं जो कि लॉस में हैं या फिर फॉर एग्जांपल मतलब बिजनेस ही करेंगे तो उनको ये बंद कर देंगे या मर्ज कर देंगे आपस में ठीक है देखिए द क्लोजर ऑफ द ब्रांच हैज नॉट बीन रिपोर्टेड प्रीवियसली इसके पहले तक अभी तक मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कुछ बात नहीं बोली थी बोल रहे हैं द मोर देन हंड्रेड ईयर ओल्ड एंडर मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है हमारे देश में उन्नीस सौ ग्यारह तो यही बोला गया कि सौ साल से ऊपर का ये बैंक है करेंटली हैज नेटवर्क ऑफ द फोर फाइव नाइन फोर ब्रांचेस इन इंडिया यानी चार हजार पाँच सौ चौरानबे ब्रांच इनकी हैं तो 600 का मतलब वहां पर क्या है वहां पर मतलब यह है यह 600 सौ नहीं कर देंगे यह 600 ब्रांच बंद करेंगे अपने ठीक है तो यह है देखना तो 4594 ब्रांचेस पूरे देश में इनकी हैं अब आपके मन में क्या आएगा कि सर वैकेंसी कम हो जाएंगी देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी बैंक है तो वैकेंसी इनकी उतनी नहीं आती है और आती भी है तो गैस देखो सिंपल सी बात है हमारे देश में आज भी कम से कम दो लाख दो लाख पोस्ट अभी पड़ी हुई हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में दो लाख पोस्ट पड़ी हुई हैं जहाँ पे हायरिंग की ज़रूरत है आप टेंशन मत लीजिए जितनी वैकेंसीज आ रही उतनी आएँगी उससे बढ़ सकती है उससे कम नहीं होंगी परेशान मत हुई आप उसके लिए ठीक है वैकेंसी के लिए दो लाख पद कैसे मुझे मालूम है ये चीज़ क्योंकि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के ग्रुप में हूँ टेलीग्राम में तो ये लोग मेंशन करते रहते हैं कितनी कब हायरिंग होने वाली कितनी वैकेंसीज आएंगी तो करीब करीब दो लाख पोस्ट हैं जहाँ पे बैंकिंग वैकेंसी आनी है अभी ठीक है तो वो तो ये तो ये तो हमारी गवर्नमेंट का कुछ अब मुझे नहीं मालूम क्या उनका तरीका है कि ना तो एसएससी में वैकेंसीज आ रही हैं न तो रेलवे में उतरी से आ रही हैं न तो बैंकिंग में आ रही हैं तो मुझे लगता है कि इस समय की जो गवर्नमेंट है या फिर उनकी जो पॉलिसीज हैं मैं गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रहा हूँ जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए कम है इधर फोकस नहीं हुई अच्छा एक बात और भी है जैसे मतलब मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझता हूँ मैं पढ़ता रहता हूँ तो जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हमारी आई थी इस बार उसमें भी ये मेंशन किया गया था कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब है तो जो खर्च गवर्नमेंट बढ़ता है तो चाइना जो है ये पूरे अपने जीडीपी का जो सैलरी पर खर्च करता है वो करीब खर्च करता है पॉइंट कुछ परसेंट और हम करते हैं लगभग एक परसेंट तो हम मतलब बहुत चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहां पे जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो भी ज़्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से लेकिन उनका खर्च कम है हमारा ज्यादा है अच्छा तो ये आप बोल रहे हो एक तरफ कि मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर खर्चा पड़ता है आपका ठीक है मैं मान रहा हूँ खर्च पड़ता है तो फिर आप डी क्यों बढ़ाते हो हाँ आप डी क्यों बढ़ाते हो एक तरफ़ गवर्नमेंट जॉब कम करना और दूसरा फिर डी बढ़ा देना डी के मैं ऐसा नहीं कि मैं पक्ष में नहीं हूँ मैं बस ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और रही बात दूसरी बात कि भाई कोविड नाइन्टीन ने एक आंसर भी दिया कि क्या प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती हैं कोविड नाइन्टीन में हमारे सरकारी हेल्थ केयर्स हमारे पुलिस ने जो काम किया वो आपके सामने है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मेरे जीजू बीमार पड़ गए थे मेरे कज़िन मतलब मेरे मौसी के मतलब मौसी की लड़की हस्बैंड थे तो मुझे याद है चार लाख रुपए उनसे मांगा जा रहा था कि आप चार लाख रुपए दो उस पर भी हम श्योर आपको नहीं कर देंगे कि आपको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंडस्ट्री सब कुछ संभाल सकती हैं और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है तो आज भी हमारे पास हमारी मोर देन फिफ्टी पॉपुलेशन गाँव में रहती है और कोई प्राइवेट बैंक वहां पर काम करने नहीं जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए तो थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए मेरे ख्याल से कि अब नहीं तो कब 2022 चल रहा है और <coughs> यहां पे हमारे देश में युवाओं के बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत युवा है हमें जॉब्स निकालनी पड़ेंगी हम सबको प्राइवेट जॉब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके ही प्राइमरी स्कूल्स में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी अब थोड़ी पढ़ाई जा रही है आपने बेसिक इन्फ्रा अच्छा नहीं किया है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे गाँव से निकल रहे हैं वो सीधे इंग्लिश बोलना शुरू कर दे रहे है ना मैं अपनी बात करूँ बेटा जब मैं पढ़ने गया ग्रेजुएशन तो मैं मतलब मैं भौचक्का रह गया हमेशा पढ़े हिंदी मीडियम में इतनी मोटी मोटी इंग्लिश में ना कोई बोलने वाला ना अब मैं आपको बता रहा हूँ ना अगर हिंदी में पीएमटी एग्जाम होते हैं ना हिंदी में पीएमटी के प्राइम के तो मैं पहले बार मेरी टॉपर बन जाता यूपी बोर्ड से पढ़कर आप जब आते हो कंपटीशन की दुनिया में तो अब सारी बुक्स इंग्लिश में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है मास्टर पढ़ा रहा हैं इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है एक साल का मौका नहीं दिया था नहीं हो पाया आठ हज़ार रुपया हो जाएंगा बी मिल रहा था तो क्या करते प्राइवेट में है ना अच्छा फिर जब कॉलेज में आया तब भी वो दिक्कत दो साल तीन साल तो केवल समझने में लिए लिए कैसे लिखना है कैसे, कैसे नहीं लिखना है और जो बच्चे हमसे मतलब जो फॉर एग्जांपल प्रॉपर ठीक से पढ़ कर आए थे अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बाहर बड़े शहरों से वो अच्छा कर लेते थे थोड़ा सा दिक्कत है अभी हमारी सर में आपने इतना अच्छा काम नहीं किया कि लोग आई एम्स आई टीस बच्चे निकलें बहुत मेहनत करने के बाद ही लोग निकलते हैं वहाँ पे है ना चलिए गाइस फिलहाल ये मुद्दा नहीं है हमारा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस टाइप तो मतलब मैं ये बस बोल रहा था कि लोग कहते हैं मेहनत मेहनत तो होती है बच्चे करते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं या किसी और मीडियम के होते हैं इंग्लिश थोड़ी सी ना दिक्कत करती है ऐसे बच्चों को जो टैलेंटेड होते हैं बट वो अपना बेस्ट दे नहीं पाते मैं बस ये बोलना चाह रहा था ठीक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिशमेंट ईयर उन्नीस सौ ग्यारह हेडक्वार्टर मुंबई एम डी सी ओ मतम वेंकट राव जी और टेगलाइन सेंट्रल टू यू सिंस नाइनटीन दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग अवेयरनेस में क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था हमारे देश का पहला स्वदेशी बैंक कौन है आपका आंसर क्या होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ध्यान देना स्वदेशी बैंक इसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट स्वदेशी बैंक बोलते हैं ठीक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ठीक दोस्तों आगे बढ़े तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कुछ रीजन पॉइंट यहां पे देखिए चूंकि हम बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रहे हैं देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 36 ऑन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी याद रखिएगा ठीक और देखिए दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया था विद द क्विक आई टू इंप्लीमेंट डिजिटल के वीडियो के वाई सी एंड ई के वाई सी फॉरिस्ट नेटवर्क अक्रॉस इंडिया दोस्तों ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है डिजिटल के वाई सी या ई के वाई सी क्या होता है जैसे आप लोग का भी बैंक अकाउंट होगा तो जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाया होगा तो आपने बैंक जाकर अपनी आई डी प्रूफ अपना एड्रेस प्रूफ जमा किया हुआ है ना इसे हम बोलते हैं के वाई सी तो बैंक जाकर ना इस ऑफलाइन तो बैंक चाहता है कि जो हमारे कस्टमर ऐसे हैं जो कि नहीं आ पा रहे हैं हम उन घर बैठे बैठे उनका डिजिटली के वाई सी ले लें है ना? तो इसके लिए क्विड डॉट डॉट आई डी से एग्रीमेंट जोड़ने किया था ठीक है आगे बढ़ेगा इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें? अब हम करेंगे की। पढ़ना है से दो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आई आई एफ एल ठीक एंड ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर्म टेक्नोलॉजी यहां तक यहां यहां ठीक आई एफ एल एंड ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ठीक फॉर्म ज्वाइंट वेंचर टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट नियो बैंक फॉर द एमएसएमई ठीक है दोस्तों इसका मतलब समझिए शायद हमारी क्लास में पहले भी नियो बैंक पर बात हो चुकी है नियो बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जो वर्चुअल है जो वर्चुअल है पूरा जिसकी फिजकुल कोई ब्रांच ना हो और उस एप्लीकेशन से आप अपने सारे काम कर सको नियो बैंक हम इसे बोलते हैं ठीक है तो हमारे देश में नियो बैंक हैं बहुत सारे हैं इसके एप्लीकेशन जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योना एप्लीकेशन कोटेक महिंद्रा का 811 या मैंने आपको पढ़ाया था ओपन भारत का सोमा यूनिकॉन तो हमारे देश में नियो बैंक है कस्टमर के लिए लेकिन वनली फॉर द एमएसएमई नहीं मतलब ऐसा कोई बैंक जो वर्चुअल हो और जो एमएसएमई सेक्टर मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम मतलब सूक्ष्म लघु उद्योग इंडस्ट्रीज को लोन वोन दे उसके लिए तो पहली बार हमारे देश में एक नियो बैंक बन रहा है नियो बैंक का मतलब एक वर्चुअल बैंक बन रहा है ऑनलाइन जो कि एमएसएमई की नीड एंड डिजायर एंड वॉन्न को पूरी करेगा ठीक है देखिए आई एफ एल फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये कंपनी है बेटा ये कंपनी है एशिया लेवल की कंपनी ठीक है पूरी इंफॉर्मेशन देखो यहां पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है देखो जितना मैं टिक करूंगा उतना ही पढ़ना केवल तो आई आई एफ एल फाइनेंस ये कंपनी भारत की है ठीक है और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एशिया लार्जेस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है ये ठीक है ये लोग है फोकस ऑन द न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म मतलब ये जो ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी है इसका काम ही है ये पूरे एशिया लेवल पर नियो बैंकिंग करती है ठीक है तो ये लोग मिल करेंगे ये लोग मिलकर ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं ठीक ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हैं ठीक है और ये भारत के पहले नियो बैंक की बात कर रहे हैं जो कि सर्व करेगा किसको एमएसएमए को ठीक है सिंपल लैंग्वेज में तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन में मैंने जहां जहां इस, ये शकल किया है अब वही पढ़ दो आई आई एफ एल फाइनेंस एंड ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट ठीक ये लोग मिलकर भारत का पहला न्यू बैंक बनाएंगे जो वनली वनली वर्क करेगा फॉर एमएसएमई e सेक्टर। बस सिंपल है। बड़ा नहीं। सिंपल है, है बड़ा डरो नहीं, ना? दोस्तों तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। सोनिया झा बोलेंगे सर मैं आईएफएल फाइनेंस में काम करती हूं सोनिया जा जा आप बहुत काम की फिर है तो ठीक है कभी हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी पड़ती रहती है तो आपसे हम कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे आई होप कि आप हमारी विद्यार्थी हैं तो हमारी कुछ हेल्प करेंगे आप है ना चलिए तो ये पॉइंट हमारा लगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिएगा और क्या बोला गया द न्यू ज्वाइंट वेंचर वुड बी नोन एज द आई एफ एल ओपन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम क्या होगा आई आई एफ एल ओपन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम होगा और इसकी इनिशियल कैपिटल एक सौ बीस करोड़ रुपये होगी ठीक ओपन आई एफ एल ओपन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड एक सौ बीस करोड़ रुपए में काम करना शुरू करेगा ठीक अब इसमें देखो शेयर होगा IFL का होगा, से हो, इनका होगा का होगा, ठीक है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का रेस्ट फोर्टी नाइन परसेंट ओपन टेक्नोलॉजी का होगा ठीक है ये भी देख लीजिएगा चलिए तो एक इन्फॉर्मेशन दी आगे बढ़ते हैं अबाउट द नियो बैंक नियो बैंक क्या होता है टाइप ऑफ डिजिटल बैंक That डज नॉट हैव एनी फिजिकल लोकेशन यानी ऐसा बैंक है जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती कोई लोकेशन नहीं होता है ठीक है सब कुछ ऐप पर काम होता है ठीक चलिए अब यहाँ पे आई एफ एल फाइनेंस की बात करें तो आई एफ एल फाइनेंस एक एन बी एफ सी भारत की है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में ठीक एमडी कौन है वेंकट रामबन राजमनी है नाइनटीन नाइनटी फाइव में से फाउंड किया गया था आगे बढ़िया ठीक है चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट अबाउट द कैनरा बैंक

केवल केवल मतलब मतलब लेकिन आपके अंदर एक स्किल काफी अच्छी है कि आप खाना बना अच्छा बनाते हो तो खाना बनाना एक स्किल है आप इससे अपना ऑक्यूपेशन कर सकते हो मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई बीटेक की लेकिन आपके पास सिंगिंग स्किल है, है ना तो आप उसमें भी जा सकते हो ना तो स्किल का मतलब होता है कि ठीक है आपने जो काम आप कर रहे हो उसके अलावा क्या ख़ूबियाँ आपके अंदर है ना तो हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब कम था और हमने जापान से कंपैरिजन किया तो हमारी टोटल पॉपुलेशन का सिक्स टू सेवन परसेंट लोग स्किल्ड थे जापान की टोटल पॉपुलेशन का नाइन्टी परसेंट स्किल है तो स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत थी तो हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तक स्किल डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री खोल दी अब कितना काम हुआ उस पर नहीं हुआ हम उस वाले हैं, ठीक है तो हमारे देश में कुछ डिपार्टमेंट हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एएसएपी अब यह क्या है दोस्तों देखो दो कैनरा बैंक हैज लॉन्च स्किल लोन ठीक इन एसोसिएशन विद द एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम केरला गवर्नमेंट का ठीक है एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम एस एपी एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम केरला और देखो द गवर्नमेंट कंपनी अंडर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो यह क्या है गवर्नमेंट कंपनी है बेसिकली तो केरला स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है यह एडिशनल स्किल एक्विडिशन प्रोग्राम देखो सुनना वो ध्यान से अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ध्यान सुनना तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कैनरा बैंक स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन दे रहा है और कैनरा के, बैंक ने इसके लिए हाथ मिलाया है किसे एडिशनल स्किल एक्विडिशन प्रोग्राम यह केरला गवर्नमेंट का है ठीक है यह प्रोग्राम आगे बढ़ते देखो अब क्या बोला गया मैं जहां जहां सक्रिय करूंगा पढ़ना वही क्या बोला स्टूडेंट परसुइंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाई दी केरला या फिर अदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्निशन जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ठीक है देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दो हजार सोलह में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो ये है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये ठीक तो इसने इंडिया में मास्टर ट्रेनर की वैकेंसी निकाली थी सोलह और मैं प्राउडली बोलना चाहूंगा कि मैं इसमें सेलेक्ट हुआ था टॉप सिक्सटीन में और फॉर द रिटेल सेक्टर एग्जैक्टली दोस्तों मैंने अपनी समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप जो एम की होती है वो मैंने रिलायंस ट्रेन से की थी तो मेरे पास बड़ी अच्छी नॉलेज थी रिटेल की थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी तो पूरे ऑल इंडिया में सोलह पोस्ट पर वैकेंसी आई थी जिसमें दो स्किल के लिए था के लिए था दो फाइनेंस के लिए था दो ऑटोमोबाइल्स के लिए था ऐसे था तो उसमें हम दो लोग चुने गए थे फॉर द रिटेल सेक्टर आज भी हमारे नाम पर स्किल जो है मतलब वो चल रहा है पोर्टल पे नाम हमारा ठीक है और हमने दो तीन साल तक स्किल डेवलपमेंट क्लास क्लास लिए टाइम वी, वी, वी 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 मास्टर ट्रेनर हम लोग थे ठीक है तो स्किल डेवलपमेंट के पे मैंने काम किया है कहा अगर आप अनकेडमी पर मेरी प्रोफाइल चेक करेंगे उसमें मैंशन भी उसमें ठीक है तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एग्जैक्टली मैं क्या होता गाइज ने बताया ये बहुत बड़ी चीज थी और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो गाइज मैं मैं कक्षा नौ में ही स्टेट वैज्ञानिक बन गया था।, था, था है ना तो होता क्या कि कभी कभी हम आपको वो शो नहीं करते हैं जो मैं अंदर है पोटेंशियल है ना तो आप हमेशा मुझे हल्के में लेते हो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे हमेशा हल्के में मुझे बहुत बड़ी बातें करने नहीं आती हैं आ, मैं उतनी बातें करता हूँ जो कि लगता है मुझे कि आपको समझनी चाहिए है ना तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मैं ऐसे मास्टर ट्रेन काम कर चुका हूँ मैं लाइव बोल रहा हूँ सतर में बोल रहा हूँ तो ये भी एक गवर्नमेंट का है डिपार्टमेंट है ठीक वैसे क्या है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी है वैसे ही केरला गवर्नमेंट के अपना किया है ए एस पी एस ए पी है तो अगर आप इसमें काम पढ़ाई करते हो तो आपको फीस देनी पड़ती है आपको फीस देनी पड़ती है तो फीस में कुछ प्राइस होता होगा तो अगर मान लीजिए आप कहीं यहां पढ़ रहे हो या यहां पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो और मान लीजिए कुछ फीस है इसकी पंद्रह हज़ार बीस हजार पच्चीस हजार तो आपको कैनरा बैंक लोन देगा आपको कैनरा बैंक लोन देगा कितने का पाँच हज़ार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपीज तक ठीक पाँच हजार रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक आपको लोन मिलेगा तो कॉन्सेप्ट है क्या एग्जैक्टली में तो कैनरा बैंक हमारे देश में जो स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की जो एजेंसीज हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराती हैं जो फीस पड़ेगी आपकी उस फीस को लोन दे केनरा बैंक देगा कितना वन फाइव थाउजेंड टू वन पॉइंट फाइव लैख तो यहां पर ए एस ए का नाम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का नाम या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम ये सब याद कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों कॉन्सेप्ट शुड भी क्लियर देख लीजिए तो एक पॉइंट हमारा ये है दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा ठीक है हम आगे बढ़े और केवल कॉन्सेप्ट है करंट ये कोई बड़ी न्यूज नहीं है कि हमें याद ही ना कुछ चीजें क्या मेन मकसद है इसका वो समझ लो बस केवल हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बोला गया दिस लोन विल बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी कोलेट्रल यानी कि विद्यार्थी को कोई यहाँ सिक्योरिटी नहीं देनी ठीक और रिपेमेंट टाइम तीन सात साल तीन सात साल मतलब आपके ऊपर है आप कितनी ई देना चाहते हो तो आपके ई के हिसाब से तीन साल से लेकर सात साल मिनिमम तीन साल मैक्सिमम सेवन ईयर आपको यह पैसा रिपे करना होता है ठीक है तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया दोस्तों अबाउट द केनरा बैंक तो कैनरा बैंक का स्टेब्लिशमेंट ईयर उन्नीस सौ छ हेडक्वार्टर बेंगलुरु लिंगम वेंकट प्रभाकर टेगलाइन टुगेदर वी, वी कैन टुगेदर वी कैन कैनरा बैंक टुगेदर तो, वी कैन कैनरा बैंक तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है ठीक है याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं चलिए तो हमने आपको बैंकिंग फाइनेंस कंप्लीट करा दिया यहां पे तो बैंकिंग फाइनेंस में क्या क्या हमने पढ़ा आज वो देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो हमें आगे जाके याद रहे तो पहला पॉइंट हमने क्या दोस्तों कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है अपना थर्टीन परसेंट ब्रांच बंद करने का मतलब छह सौ ब्रांच करीब या तो बंद हो जाएंगे तो मर्ज हो जाएंगे ब्रांच ठीक इन्फॉर्मेशन दी हमने आपको तो पहली पॉइंट यह हमारे पास राइट नो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार हजार पांच सौ चौरानवे ब्रांचेस हैं दोस्तों आई फाइनेंस और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलकर भारत का पहला न्यू बैंक बनाएंगे जो कि केवल एमएसएमई के लिए होगा जो केवल एमएसएमई के लिए होगा ठीक है दोस्तों इसे भी याद रखिएगा अच्छा और देखिए यहां पर हमने क्या बात की कैनरा बैंक हमारे देश में स्किल लोन बांटेगा लोन का अमाउंट है मिनिमम पांच हजार रुपए मैक्सिम डेढ़ लाख रुपए रीपेमेंट टाइम कितना है तीन साल सात साल ठीक किसके साथ मिलकर एएसए इसका फुल फॉर्म क्या है एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम ये तो केरला गवर्नमेंट का है तो चाहे तो एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम हो आपका केरला का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हो अगर आप कहीं से भी मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स कर रहे हो आपकी जो फीस पड़ेगी तो फीस एज ए लोन कैनरा बैंक से ले सकते हो ठीक है ये पढ़ लिया हमने अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट हमारे ठीक है दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट एमओ यूज एग्रीमेंट की हम बात करेंगे ठीक है देखिए पहला पॉइंट दोस्तों क्या लिखा हुआ है एफ आई एस एम ई ठीक एंड इंक इक्वामओयू टू लॉन्च इंडिया का पहला कोलेट्रल फ्री डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन बैंक नहीं है आप बोलेंगे सर ये तो अभी पढ़ा था हमने फ्री आ गया ये एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है डिस्टल मतलब ऑनलाइन लोन दिया एमएसएमई को ये उसकी बात हो रही है ठीक है देखो मतलब सुन लो क्या है ये देखो द फेडरेशन ऑफ द इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है देखो दोस्तों सबका अपना ग्रुप होता है बार काउंसिल लॉयर का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स का इंडियन बैंक एसोसिएशन आप लोग का है ना वैसे ही क्या है ये एमएसएमई का ग्रुप है ठीक है द फेडरेशन ऑफ द इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विद द इक्वारो गारंटी कंपनी के साथ ठीक है ये कंपनी है एंड इंडियन फाइनेंशियल कंपनी टू स्टैब्लिश इंडिया का पहला कोलेटरल फ्री डिजिटल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई प्लेटफॉर्म होगा ये कौन बना रहा है ये फेडरेशन ऑफ द इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड इक्वेरो गारंटी जहां से एमएसएमई को डिजिटल लोन मिल जाएगा ठीक है देखो द द्लेटफॉर्म इज सेट टू बिगेन इन बाई इस साल शुरू हो जाएगा ठीक एंड वुड अलाउ एम एस एम ई विद एक्सेस टू कोलेट्रल फ्री विदाउट सिक्योरिटी अप टू पच्चीस लाख रुपए यानी कि आपके बिजनेस के हिसाब से आपको लोन मिलेगा पच्चीस लाख रुपए तक का लोन मिलेगा विदाउट एनी सिक्योरिटी तो नाम क्या है फेडरेशन ऑफ द इंडियन एमएसएमई एंड इक्वारो इक्वार गारंटी कंपनी सिंपल सा है केवल ये लोग एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां एमएसएमई को 25 लाख रुपए तक काट्रल फ्री लोन मिलेगा आपके सामने ठीक है पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों आगे बढ़े अबाउट द फेडरेशन ऑफ द इंडियन एमएसएमई एंटरप्राइजेस स्टेब्लिशमेंट इन फाइव हेडक्वार्टर डेली एनसीओ प्रकाश पटेल जी हैं इसके ठीक है द फेडरेशन ऑफ द इंडियन एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट इक्वारो गारंटी कंपनी मुंबई की है और 19 में बनी है विकास खंडेलवाल इज द सीईओ ऑफ द कंपनी दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे समिट इवेंट और मीटिंग की समिट इवेंट मीटिंग की दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन यहां क्या बोला गया एम्बेसी ऑफ इसराइल एंड आई टी टू डेवलप सिक्स वीक मेंटरशिप प्रोग्राम दिल्ली में एक समिट हुआ था इसराइल इसराइल का मतलब इसराइल क्या तो उसमें ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि एम्बेसी ऑफ इसराइल

तो एम्बेसी ऑफ इसल की हम बात कर रहे हैं ठीक और आई आई टी डेली की बात कर रहे हैं और हम डब्ल्यू डब्ल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो ये तीनों मिलकर छ वीक का एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे फॉर द वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर फॉर द मतलब ऐसी महिला जो उद्यमी है ठीक है तो एम्बेसी ऑफ इजराइल आई टी डेली एंड डब्ल्यू डब्ल फाउंडेशन वीक का ठीक है अब देखो ट्वेंटी सिक्स वुमेन ऑंटरप्रेन्योर फ्रॉम द डब्ल्यू फाउंडेशन वीअर सिलेक्टेड मैंने क्या बोला था कि डब्ल्यू फाउंडेशन जो है ये काम करता है फॉर द वुमेन ऑनटरप्रेन्योरशिप यहां से 26 महिलाओं को चुना जाएगा फॉर दिस प्रोग्राम ठीक है देख लीजिएगा अब देखो ऑनटरप्रोर्स वी आरटोड बाई द रिनटोर नवा सर्विस की फ्रॉम इसराइल तो इसराइल की एक मैंटोर है काफी फेमस है नाम है इनका नवा सरको हिंदी में देख लें क्या नाम है इनका ये नवा सर्विस की तो ये मैंटोरशिप करेंगे देंगे ठीक है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दो एम्बेसी ऑफ इसराइल ठीक आई आई टी ठीक है और क्या था आपका तीसरा डब्लू डबल फाउंडेशन ठीक है ये लोग मिलकर छ वीक का एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे ठीक है अब इसमें 26 महिला को चुना गया है और इसराइल की एक मेंटोर है नवा सर्विस की वो मेंटरशिप देंगी तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया दोस्तों ठीक है क्या आप लोगों ने कभी मैंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च ज्वाइन किया है मैंने बहुत किया है मुझे हमेशा लगा है कि मैंटरशिप प्रोग्राम अगर आपको नींद की मारी हो आप सो नहीं पा रहे हो कुछ तनाव हो मैन में तो आप कोई ज्वाइन कर लो तो हमारे यहाँ बड़ी एक सौ बढ़िया मैडम आई थी आ, करीब किसी आई से आई थी तो <laughs> वो मेरे पीछे पड़ गई थी मुझे एकदम आगे बैठा दें हमेशा एकदम आगे तुम आगे बैठो आकर एकदम मैंटरशिप प्रोग्राम में एक वीक का था भाई ठीक आगे बढ़ते देंगे इस नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर

अरे यार मोदी जी की बात कर रहे हैं नॉगरल सेशन है किसका क्या है क्या है क्या है, है आई कौन याद करें तो ये हमको देखने में अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें तो याद ही नहीं पाएगी इफॉर्मेशन तो जो चीज हमें देखने में अच्छी ना लगे इंफॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन में कर रहे हैं और मत सोचना कुछ उसे हम कैसे याद कर लें ठीक है देखिए तो पहले क्या बात करेंगे दोस्तों हम बात करेंगे ये ये क्या है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिलेंट इंफ्रा हम ये है क्या बेसिकली ये है क्या हम इसे बात कर रहे हैं दोस्तों सुनना ध्यान से अबाउट सी डी आर आई जो आप देख रहे हो ना ये वाला ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर्स एन ये डी हम सी डी आर आई की बात कर रहे हैं क्या दोस्तों सुनना दो ये है क्या सी डी आर आई इज अ मल्टी स्टेक होल्डर मतलब इसमें कई देश शामिल हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ठीक है लॉन्च बाई द आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ठीक है नाइनटीन यू एन क्लाइमेट समिट तो यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट समिट में मोदी जी ने इसे बनाया है इसे लॉन्च किया था

फॉर डिजास्टर रेजिलियट इंफ्रा तो इसने पार्टनरशिप किया है विद द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट ठीक होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है यानी क्या इस फिर समझ लो कि हम सी डी आर आई की बात कर रहे हैं तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ नाम क्या है दोस्तों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है इसे किसने ऑर्गेनाइज किया है किसने होस्ट किया है तो सी ने और यूएसए ने ठीक है अब देखो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ द घाना एंड द मेडागास्कर एड्रेस द कॉन्फ्रेंस यानी मोदी जी के अलावा भी यहां पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जापान के प्राइम मिनिस्टर घाना के प्रेसिडेंट और मेडागास्कर के इन्होंने कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया ठीक है तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी बस देखिए एक्चुअली ये पहली इंफॉर्मेशन आई थिंक ना आई थिंक ये पहली इन्फॉर्मेशन है पहली पहला कोई वो है इनोगल देखो ये ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है इनोगुरल तो पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है सीडीआरआई का हम उसी की बात कर रहे थे तो so, सीडीआरआई का पहला इंटर कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट एन सी इंटरनेशनल डेवलपमेंट तो ये मेन मुद्दा था तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जापान प्रेसिट ऑफ घाना मेडागास्कर इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया ठीक है अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो मिलेगी तो रात में जो हमारी टेन टेन पे क्लास होती है अन अकेडमी स्पेशल पे उस पर हम और इसमें ऐड कर देंगे ठीक है चलिए सी डी आर आई है क्या बता दीजिए मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नेशनल लेवल न्यूज़ की ठीक है तो नेशनल देखिए अगर आप पी डी एफ के बारे में चिंता करते हैं तो पी डी एफ दोस्तों हमें कहाँ मिलेगी सुन लीजिए आप जब वीडियो ख़त्म करेंगे ना तो आपको बैंकर्स का एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए वहां पर पी मिल जाती है नहीं तो मेरा अपना खुद का भी टेलीग्राम चैनल है बच्चे आपको बता देंगे कमेंट में आप वहाँ ज्वाइन कर लो तो ये देख लो नहीं तो अन अकेडमी में कम्युनिटी पोस्ट आती है उस पर आप जाइए मेरे मुझे फॉलो कर लीजिए वहां पर भी पीडीएफ डी मैं आज से डालना शुरू कर दूंगा फिर वहां पर भी हाँ तो मैंने तीन ऑप्शन आपको दिए कुछ बच्चे बोला था कमेंट बॉक्स में एक्चुअली दोस्तों क्या ना बताया ये चैनल हमारे हाथ में नहीं कंपनी का चैनल है बेटा और जो ऑफिस में इंप्लॉयी आते हैं ना बेटा वो दस बेंगलोर में ऑफिस है हमारा तो ग्यारह बजे तक आते हैं तो अब समझो ना हम कैसे उनसे बोलेंगे कि पी डी एफ अटैच करो आप तो ये हमारी मजबूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम नहीं चाहते कि ना दे पी डी एफ को है ना वरना पढ़ा क्यों ना आपको फिर ठीक है तो पी के लिए इसीलिए हम पी को यहां पर अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे लोग बहुत लेट में आते हैं मतलब ग्यारह बजे में ऑफिस में आते हैं है ना तो समझिए हमारी बात को नेशनल न्यूज़ की बात करना ठीक है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने की बात बोली है क्यों बोली है यहां पे इंफॉर्मेशन में दिया नहीं क्यों बोली है तो क्यों बोली है सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात देखो यहां पे दोस्तों सुनो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर रिकवरी ऑफ द मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर्स अगेंस्ट द नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड सिक्योर्ड मनी डिक्रीज इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उन डिफॉल्टर से पैसे की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठन की मंजूरी दी है जिनके खिलाफ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में मनी डिक्री हासिल की है इसका मतलब दो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है जैसे हमारे देश स्पॉट एक्सचेंज मतलब क्या होता है स्पॉट का मतलब तुरंत खरीदना और बेचना एक मार्केट है ना तो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में कुछ लोगों ने डिफॉल्ट किया था पैसा तो उस पैसे की रिकवरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी का को गठन किया ठीक है देखो इट विल तो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड की बात ऑलरेडी सिंगल विद ठीक है मतलब कितना पैसा बकाया वो देख लो तो ये करीब करीब तीन, हजा, तीन हजार पांच सौ चौतीस मतलब 3534.46 करोड़ रुपीज इतना पैसा जो है वो पैसा आपका बकाया था बकाया है तो बहुत सिंपल सी भाषा में याद कर लो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कमेटी बनाई है डिफॉल्टर्स के लिए डिफॉल्ट किए अमाउंट से डिफॉल्ट किया तीन हजार पांच सौ चौतीस दशमलव छियालीस करोड़ रुपए बस और कुछ नहीं पड़ना इसमें ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट पांडे क्या बोला गया गवर्नमेंट एलोकेट एडिशनल 55 लाख टन ऑफ राइस अंडर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना होना चाहिए हाँ वही है मेरे ख्याल से तो भारत सरकार ने एडिशनल 55 लाख टन जो है राइस है उसको दिया है अंडर द प्रधानमंत्री देखते तो सेंट्रल हैज एलोकेटेड एडिशनल पचपन लाख टन ऑफ राइस इन प्लेस ऑफ द वीट इन प्लेस ऑफ द वीट मतलब गेहूं के अलावा गेहूं राइस अंडर अंडर द फ्री राशन स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दो तो क्या दोस्तों गरीब कल्याण अन्न योजना ये कब आया था ये आया था दस सोलह में एग्जैक्टली exactly में हमारे देश में ऐसे लोग जो टैक्स की चोरी वोरी करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप टैक्स में चोरी किए हो कोई दिक्कत है तो काम करो आप आकर हमसे बात कर लो हम कुछ परसेंट पेनल्टी काटेंगे आपका और पैसा आपका हम रख लेंगे अपने पास हम कोई कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे वहाँ जो पैसा आएगा वो पैसा यहां पर खर्च किया जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में ठीक है तो भारत सरकार ने पचपन लाख टन चावल जो है, वो के प्लेस पर दिया हुआ है क्योंकि ये स्टेट एम एड एफ टू तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड थी तो उनके डिमांड पर ये काम किया गया पचपन लाख टन चावल दिए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना ठीक है दोस्तों इन सोला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मैंने बोला आपसे ठीक है तो एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की बात कर यहां पे इंफॉर्मेशन मैड्रिड क्लिंच रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग थर्टी फिफ्थ स्पेनिश लीग टाइटल यानी मैड्रिड ने रिकॉर्ड पैंतीसवीं बार स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया है देखिए रियल मैड्रिड आप जान होंगे मेरे ख्याल से बहुत बड़ी टीम है रोनाल्डो इसमें खेलते हैं रियल मैड्रिड क्लिच अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग थर्टी फिफ्थ स्पेनिश लीग टाइटलोल फोर जीरो मतलब इस क्या है हम यहां पे स्पेनिश लीग की बात कर रहे हैं पैंतीसवीं बार रियल मैड्रिड ने जीत लिया है किसको हराया तो ये हो स्पेनियोल कंपनी वो है क्लब है उसको हराया ठीक है तो रियल मैड्रिड ने पैतीसवीं बार स्पेनिश लीग जीत ली है आफ्टर बीटिंग आफ्टर डिफिटिंग द स्पेनियॉल ठीक है एक पॉइंट हमारा ये हो गया आगे बढ़ेगा इस नेक्स्ट पॉइंट India become the world number one T20 team. तो इंडिया बिकम द वर्ल्ड नंबर वन टी ट्वेंटी टीम इंडिया टी ट्वेंटी की नंबर वन टीम बन गई है इक्कीस बाईस सीजन इसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है एस द वर्ल्ड नंबर वन रैंक अभी बात करें चेड्डी में इन द एनुअल टेस्ट रैंकिंग रिलीज बाई दीसी समझो हम बात करें क्या आईसीसी ने आईसीसी ने 2021-22 का जो सीजन खत्म हुआ है उसके बाद अपनी लिस्ट निकाली है तो टी ट्वेंटी भारत नंबर वन पर है ठीक है देखिए न्यूजीलैंड जो है वो नंबर टू सीजन में, पिछले में, नंबर नंबर में था यह बोला गया मतलब दो हजार बीस इक्कीस में न्यूजीलैंड नंबर वन पर बोला गया आपका ठीक है और देखिए पाकिस्तान ओवरटेकन इंग्लैंड द फिफ्थ पोजिशन इन द आईसी मैं बात करें पाकिस्तान पांचवें पे है ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर है और इंडिया नंबर टू पर है ठीक है तो ये रैंकिंग है रैंकिंग थोड़ी ठीक से निकली नहीं एक्चुअली सुबह टाइम भी था हमारे पास मैंने फिर क्या बोला कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम और डीप में सर्च नहीं कर पाए रात वाली क्लास में आपको हम और क्वेश्चन बना सकते हैं इस पर ठीक है एमसीक्यूज में तो अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ देना दोस्तों आगे बढ़ेंगे डिफेंस की बात करेंगे देखिए तो इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन एक सेकेंड ए एल एच एम के थ्री स्क्वाडन इन कोची तो भारतीय तटरक्षक बल ने कोची में अपना दूसरा ए एल एच एम के थ्री स्क्वाडन लॉन्च कर दिया है कमीशन कर दिया है अब यह क्या दोस्तों पीछे आपको हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ रहा है ना देखो तो कोस्ट गार्ड की हम बात कर रहे हैं तो मतलब बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात कर रहे हैं इन्होंने इन्होंने अपना दूसरा एयर स्क्वाडन ठीक 845 फोर फाइव का नाम होगा एट द कोस्ट गार्ड कहां पे कोची में यहां पे लॉन्च कर दिया है ठीक है तो यहां पे ए एल एच का मतलब क्या हुआ यहां पर हम बात करते हैं अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर की बात करते हैं ठीक है हम उसकी बात कर रहे हैं तो दो सो, यहां पर एडवांस लाइट लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर मार्क थ्री अच्छा, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं नॉट अल्ट्रा द न्यू एयर स्क्वाडन इज इक्विप्ड विद द एडवांस मार्क थ्री हेलीकॉप्टर्स तो कहने का मतलब स्क्वाडन का मतलब क्या होता है स्क्वाडन दल होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले मेरी बात तो कोस्ट गार्ड का दूसरा ऐसा दल जिसमें कौन से, से। तरह कोची में ये काफी इंपॉर्टेंट है फिर देखो फिर देखो न्यूज को ध्यान से पढ़ो तो यहां क्या बोले हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात कर रहे हैं ठीक इनका दूसरा स्क्वाडन ठीक किसका ए एल एच मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ये जो है कमीशन हुआ कोची में दूसरा ठीक है और गैस क्या बोला गया इसका नाम क्या होगा 845 इसका नाम है 845 फोर स्क्वाडन ये सब पूछा जाता है फॉर एग्जांपल जब राफेल आया था ना राफेल तो राफेल गोल्डन एरो स्क्वाडन में शामिल हुआ था तो ये नाम होते हैं आपको याद नहीं पड़ेंगे गोल्डन एरो कहाँ पे पंजाब पटियाला में ना पंजाब में ही तो था हाँ पंजाब में ही था वैसे ही देखो यहाँ पे कोची में तो ये स्क्वाडन का नाम है एट ठीक है देख लीजिएगा दोस्तों द स्क्वाडन लीड बाई द कमांडेंट कुनाल नायक एंड हिज नाइन ऑफिसर्स फ्रॉम थर्टी फाइव मैन इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि स्क्वाडन में कितने लोग हैं इसमें कमांडेंट कुनाल नायक रहेंगे हैज नाइन ऑफिसर्स एंड थर्टी फाइव मैन नो ऑफिसर्स इसमें होंगे और थर्टी फाइव जो है वो वो जूनियर्स होंगे यहाँ पे ठीक है ये आपसे बोल रहे हैं नो no ऑफिसर्स थर्टी फाइव जूनियर्स होंगे और कमांडेंट कुनाल नायक करेंगे ठीक है इसका टाइम इतना हो दोस्तों ओहो ठीक है दोस्तों इसके बाद अभी विशाल विशास क्लास है हमारे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हम दे नहीं पाएंगे आई एम रियली सॉरी ड्यू टू द टाइम इशू पी आप डेज वेजें आप कर लोगे आराम से कर लोगों को दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है तो ये आप कर लोगे मुझे मालूम है तो इसकी पी डी मैं अभी डाल दूंगा टेलीग्राम पर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना अभी सर की क्लास है तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा कि वरना उनकी क्लास मिसमैच हो जाएगी तो बस गाइस देख लेना आपका कि बैंक कॉमेंट आपका दस एएम पे 8 मई को इस बार है इनरोल कर लीजिए इसमें और अगर हम बात करें गाइस क्या हमारे बैचेस का आइकॉनिक और प्लस तो प्लस की फीस कितनी है आपकी चौबीस महीने की आठ हज़ार पाँच सौ रुपए है बारह मंथ की सात एक पाँच जीरो है हमारा कोड लगाइए टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिलता है ठीक है और आइकॉनिक की फीस कितनी है दस हजार रुपए दो साल की बारह महीने की आठ हजार पाँच सौ रुपए और हमारा कोड है ए बी पी वन जीरो लगाइए ट्वेंटी टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको ठीक है दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने अच्छा ठीक है कोई बात नहीं स्पेशल क्लास की तो हमारा स्पेशल क्लास जो आज है वो कितने बचे हैं टेन टेन पर डेली सी एम सी एम सी ठीक है जो इन्फॉर्मेशन बची है दोस्तों आप देख लेना अगर आपको क्लियर नहीं होगी ना आप मुझसे रात में ही पूछ लेना पढ़ा दूंगा आपको ठीक है रात में टेन टेन पर आइए जो इन्फॉर्मेशन बची है अगर क्लियर आपको है तो ठीक है नहीं तो मैं रात में पढ़ा दूंगा मेरा प्रॉमिस है आपसे ठीक है टेन वाइन क्लास में थैंक यू सो मच दोस्तों अपना ख्याल रखिए मिलते